हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। ठीक है, हिस्ट्री। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है मौर्य। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें मौर्य डायनेस्टी में किस प्रकार से शासन व्यवस्था रही, किस प्रकार से शासन वहां पर संचालन रहा। तो जो हम मौर्य डायनेस्टी का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने लास्ट क्लास में यह देख लिया था कि आखिरकार जो मौर्य डायनेस्टी है, वह मौर्य डायनेस्टी आखिरकार पीपलीवन के मौर्य थे, जाति से वह क्षत्रिय थे, और उनकी जानकारी प्रदान करने वाले जो भी स्रोत थे, हमने उन सभी स्रोतों का अध्ययन कर लिया। तो हमारे स्रोत हो गए, हमारे जो ये चैप्टर्स है कि आखिरकार ये कहाँ से आए थे और इनकी जाति क्या थी, यह भी हम पूरा कर चुके हैं। अब जो हमारी अगली बात है कि आखिरकार यह यहाँ से बाहर से आए हैं, यानी मगध के रहने वाले हैं, नहीं पीपली वन के रहने वाले थे, तो अब बात यह उठती है कि आखिरकार किस प्रकार से और किसने यहां पर एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां का प्रथम जो शासक है वो कौन था। तो मौर्य डायनेस्टी में जो पहला शासक है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वह पहला शासक है जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम जब चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करते हैं, आखिरकार जब वह गद्दी पर बैठता है तो बैठता है 322 ईसा पूर्व में। कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठता है, और 298 ईसा पूर्व तक वह गद्दी पर बैठा रहता है। यानी उसका शासनकाल कब का है? 322 से लेके 298 ईसा पूर्व। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे पुराणों में लिखा हुआ है, जिसमें पुराणों में यह बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो शासनकाल है, वो 24 वर्षों का है। और यह जो सन है वह भी यह सिद्ध करते हैं कि आखिरकार उसका शासनकाल 24 वर्षों का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर बैठा था, उसने लगभग 24 वर्षों तक मगध की गद्दी पर राज्य किया था। 322 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठता है और 298 ईसा पूर्व में गद्दी से हट जाता है। यह हमारा मोस्टली कह सकते हो डेट कंप्लीट हुई। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फैक्ट्स है, जो भी हम बात करते हैं कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य के जिंदगी में कौन कौन सी चीजें कब कब हुई, उसमें केवल हमारे पास ये दो ही तिथियां अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन कौन सी तिथियां अवेलेबल है? एक तो है यह कि 322 में वो गद्दी पर बैठता है और 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहता है। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक वह गद्दी पर बैठा रहता है, यह है उसका शासनकाल था। अब हम बात करते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य है कौन। तो पहली बात कौन, तो ये जब कौन की बात की जाती है, कहां की बात की जाती है, और फिर बात की जाती है कैसे, कौन कहां और कैसे। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य था कौन, कहां से था, और कैसे वो गद्दी पर बैठा। तो इन सब का जो उत्तर है उसका पॉइंट अलग से बनता है, उसका नाम है प्रारंभिक जीवन। कौन सा पॉइंट बनता है? प्रारंभिक
जीवन बनता है कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कहां से था और कैसे वो गद्दी पे बैठता है, यह सब उसके प्रारंभिक जीवन में आते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कहां से थे, किस जाति के थे, ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे हम स्पेशली रेफरेंस देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत का, अखंड भारत का पहला शासक था, वह किस प्रकार गद्दी बैठता और वह था कौन, ठीक है। परंतु हमें क्या प्रारंभिक जीवन से पूर्व दो चार लाइनें जो ऊपर की होती है प्रस्तावना के तौर पर लिखते हैं वो जरूरी होती है, ठीक है, वो जरूरी होती है। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, यानी जिसने अखंड भारत अर्थात यहाँ पे ऑब्लिक में आप वृहत्तर भारत, वृहत्तर भारत मतलब होता है जो कि भारत की सीमा प्रकृति ने निर्धारित की है। प्रकृति ने कहाँ कहाँ निर्धारित की है, उत्तर में हिमालय, तो इसमें नेपाल भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा भी आ रहा है, अफगानिस्तान का हिस्सा भी आ रहा है। तो इस प्रकार जो भारत की सीमा ने, जो भारत की प्रकृति ने जो सीमा निर्धारित की है, उस सीमा के अनुरूप जो पहली बार किसी ने साम्राज्य स्थापित किया है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य एक सफल व्यक्ति जिसने भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की, यह पहला व्यक्ति था जिसने अखंड भारत या बृहत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोया और केंद्रीय शासन व्यवस्था उसने लागू की थी। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था उसने लागू की है, तो उस चीज में हमारे क्या है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था जब लागू हो रही है तो उस समय वह व्यवस्था किस रूप में पूरे भारत में लागू रहेगी, इसके ऊपर विचार हम आगे करेंगे क्योंकि हम केंद्रीय प्रशासन अलग से पढ़ेंगे। पर भारत में केंद्रीय व्यवस्था और केंद्रीय सत्ता की स्थापना सबसे पहले किसने की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चीज के लिए ये पहली बार केंद्रीय सत्ता स्थापित की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित की है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम क्या है, एक अखंड भारत या बृहत्तर भारत को जीतकर एक सूत्र में पिरो दिया, एक सूत्र में पिरोया था उसने। तो यह है उसकी प्रस्तावना तैयार हो गई कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को यह सफलता, यानी अब हम बात करें कि आखिरकार इसने ये एक चीज की, पर यह सफलताएं किसके आधार पर की, चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सफलताएं चाणक्य के सहयोग से प्राप्त की। यह सफलताएं किसके सहयोग से प्राप्त की, चाणक्य के सहयोग से प्राप्त की। अब यह जो चाणक्य के सहयोग से चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो चाणक्य क्या कर रहा है, एक गाइड का काम कर रहा है, एक गुरु का काम करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, उनका शिष्य होता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार ये तो हमने बताया चाणक्य के सहयोग से प्राप्त हुई है, अब हमें बताएं कि आखिरकार उसने, अब बात हमने कर ली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, फिर बताते हैं अब कैसे किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को परास्त करके वहां पर एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर हुआ कि आखिरकार उसने धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य स्थापित हो रहा है। सेकेंड चीज ये हो गई कि चाणक्य के सहयोग से हो रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बना रहा है, वह केंद्रीय शासन व्यवस्था बनाने वाला पहला राजा है, और बृहत्तर भारत के सभी क्षेत्रों को जीतकर एक सूत्र में पिरोने का काम भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक वास्तविक भारतीय शासक कहलाता है, वास्तविक भारतीय शासक मतलब भारत का राजा, ठीक है, भारत का राजा। अब पहले बात कर रहे थे मगध का राजा, हम पहले चैप्टर पढ़ रहे थे ना, पहले चैप्टर का नाम क्या था, मगध का उत्कर्ष, मगध का उदय, मगध, ये चैप्टर के नाम थे उनके। हम मौर्य से पहले मगध के उत्कर्ष में तीन वंश पढ़े थे, नंद वंश पढ़ा हमने, हर्यक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, परंतु अब हम केवल एक ही वंश पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने वास्तव में केंद्रीय सत्ता स्थापित करके अपने राज्य, अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया था। तो यह क्या हुआ, उसका प्रैक्टिकल हुआ कि आखिरकार इस प्रकार से उसने कार्य किया है।
अब हम इसके आगे की बात करते हैं, आखिरकार किस प्रकार से उसने इन चीजों को प्राप्त किया, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था या किस प्रकार का पर्सन है ये जिसके बारे में हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमें क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में जो जानकारी प्रदान करते हैं उनमें हमें बौद्ध साहित्य भी है, परंतु बौद्ध साहित्य बहुत कम है, जैसे महावंश, दीपवंश, दिव्यावतार, यही किताबें हमें जानकारी देती हैं। वो भी इसलिए देती क्योंकि अशोक के जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसलिए। सेकेंड थिंग ये हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो उनके बारे में जो जानकारी देंगे वो है जैन ग्रंथ, जैसे परिशिष्ट पर्व, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है, भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, यह उसके बारे में सबसे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम ज़्यादा कुछ बताते हैं तो यह हम इसी कारण बता सकते हैं क्योंकि हमें जैन ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है और जैन ग्रंथों में इनका क्या कहते हैं विस्तृत वर्णन भी किया हुआ है। अब हम बात करते हैं आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य का इतना विस्तृत वर्णन इन चीज़ों में है, जैन ग्रंथों में है, बौद्ध ग्रंथों में, हालांकि पुराणों में भी है, मुद्रा राक्षस इसके अलावा एक और बुक है जहाँ पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस जो किताब है वो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुद्रा राक्षस वह किताब है जो कि एक कह सकते हो दो मंत्री जो होते हैं या दो जो गुरु होते हैं उनकी आपसी संघर्ष की कहानी है उसमें, ठीक है, दो जो गुरु होंगे उनके बीच में जो आपसी संघर्ष होगा उस संघर्ष की कहानी उसके अंदर है मुद्रा राक्षस में। अब जो ये मुद्रा राक्षस किताब है, यह मुद्रा राक्षस किताब क्या है, जिसमें राक्षस जो कि धनानंद का जो मंत्री था और पुरोहित था, गुरु था, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनके बीच का द्वंद्व है, यानी चाणक्य ने किस प्रकार से नंदवंश का नाश करवाया और उसी प्रकार किस प्रकार राक्षस प्रयास कर रहा है मौर्यों को सत्ता में न आने देने का, उनको धनानंद को वापस सत्ता में रखने, यानी धनानंद को सत्ता में रखने का, और धनानंद का सहयोग किस प्रकार करता है, चाणक्य का प्रतिरोध किस प्रकार से करता है। तो यह चीज़ें राक्षस नामक जो उस समय उनका पुरोहित था या प्रधानमंत्री था उसका और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य के बीच की ये बातें हैं, उनकी कूटनीतिक लड़ाई है, उनकी राजनीतिक लड़ाइयों के ऊपर ये किताब लिखी हुई है। इसी कारण क्या है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का बार बार उल्लेख हमें मिलता है और बहुत स्पष्ट उल्लेख हमें चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पर प्राप्त होता है। तो मुद्रा राक्षस होगी, जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, इनमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा था तब वह 25 वर्ष का था, ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठा था तब उसकी आयु 25 वर्ष की थी। जब वो गद्दी पर बैठा था तब वह 25 वर्ष का युवक था, ठीक है, 25 साल का लड़का था वो। अब यहां पर बात की जाती है, जब वो 25 साल का लड़का है उस समय अब वह किस प्रकार से कर रहा है काम, ऑब्जेक्शन हुआ ना कि 25 वर्ष का यानी व्यक्ति है और एक तरह से कह सकते हो पूर्ण रूप से वयस्क है, बालक नहीं है, परंतु 25 वर्ष से पूर्व आखिरकार जो हम कह सकते हैं कि 25 वर्ष से पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य क्या था या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम क्या जानते हैं, 25 वर्ष पूर्व वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा था, तो आखिरकार इस चीज़ का हमें वर्णन या अध्ययन कहाँ से प्राप्त होगा, वह इन साहित्य के आधार पर हमें प्राप्त होगा। परंतु जो अन्य साहित्य है, अन्य ग्रंथ है, वो हमें उसके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, शासन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास है, परंतु उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं क्योंकि उस समय वो एक साधारण व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति तो उस समय कोई इतिहास लेखन तो होता नहीं था, परंतु कुछ यदा कदा स्थानों पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख प्राप्त होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार था, तो मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर की थी कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो महावंश है, महाबोधि वंश टीका है, महावंश टीका है, दीप वंश है, दिव्यावदान है, ये सब जो किताबें हैं इन किताबों के अंदर हमें
मौर्य की जाति क्या थी इसका उल्लेख मिलता है। मौर्य की जाति क्या थी हमें इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से परिशिष्ट पर्व में भी हमें इसी प्रकार से और जो भगवत ये जो आवश्यक सूत्र है, आवश्यक सूत्र है इस किताब में भी हमें मौर्य की जाति का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि इन किताबों में अगर जाति का उल्लेख है तो उसके पूर्वजों का भी उल्लेख उसके अंदर मिलता है। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि आखिरकार जो मौर्य हैं जब वो शासन कर रहे थे तो शासन करते समय उन्होंने एक चीज़ की कि सत्ता में जब वह आए तो उन्होंने अपना इतिहास लेखन नहीं करवाया, उन्होंने अपना इतिहास लेखन नहीं करवाया। परंतु क्या है, इन मौर्य शासकों ने अलग अलग व्यक्तियों को सहयोग किया। जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को आश्रय दिया, जैन धर्म को सपोर्ट में लिया। तो जैन धर्म का उन्होंने सपोर्ट किया तो जैन धर्म के जो लोग थे वह किसी न किसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का अच्छाई का वर्णन वहाँ पर करते हैं। अब जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किया, तो आखिरकार बौद्ध धर्म के लोग जो उनका सहयोग कर रहा है उसके पूर्वजों का भी इतिहास कहीं ना कहीं लिखते हैं कि आखिरकार जो अशोक है उनके पितामह कौन थे और उनका अभ्युदय कहाँ से हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ महावंश और महाबोधि वंश ये टीकाएँ क्या बोलती हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि आखिरकार पीपलीवन के मौर्य ही मौर्य थे, यानी पीपलीवन के मौर्य जो गणराज्य था वहीं से मौर्यों की उत्पत्ति हुई है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, आखिरकार मौर्य थे तो जब कहा गया कि वह पीपलीवन के मौर्य हैं तो महावंश टीका और जो भी हमारे जितने भी दीपवंश है, दिव्यावदान है, ये सब किताबें जो भी हैं बौद्ध ग्रंथ हैं, उन बौद्ध ग्रंथों में एक बात की गई कि गणराज्य की उत्पत्ति शाक्यों के माध्यम से हुई, शाक्य कुल से उत्पत्ति। जो पीपलीवन के मौर्य हैं उनकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है, शाक्य कुल से हुई है। किससे हुई है, शाक्य कुल से। अब शाक्य कुल क्या है, शाक्य कुल महात्मा बुद्ध का कुल है, महात्मा बुद्ध का कुल है जहाँ पे शाक्य कुल गणराज्य उनका कपिलवस्तु में था। तो इस कारण क्या है, कहा जाता है कि जो शाक्य कुल था उसी से पीपलीवन के मौर्य उत्पन्न हुए हैं और वह क्षत्रिय हैं। शाक्य क्षत्रिय थे, उसी प्रकार के पीपलीवन के मौर्य भी क्षत्रिय थे। यह बात हमारे बौद्ध साहित्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके कि आखिरकार जब यह बात की जाती है कि आखिरकार शाक्य ही उनके यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या शाक्यों से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, तो एक प्रश्न यह उठता है कि शाक्य ही उससे उनकी उत्पत्ति हो रही है तो यहाँ पर तो इसी देखिए वो क्षत्रिय हैं। अब जो महावंश है, टीका है और जो परिशिष्ट पर्व है, इनका मैं आपको अलग अलग ना बताकर एक ही स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इजी वे में होगा आपका ना, अगर आप ये लिखते हो अशोक के ये जो चंद्र मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो चंद्र मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में ये लिख दे कि इनमें इन इन साहित्यों का उल्लेख है, यानी इन इन साहित्यों में इनकी स्टोरी मिलती है। जैसे महावंश टीका हुआ, परिशिष्ट पर्व हुआ, आवश्यक सूत्र हुआ, इनके अंदर क्या है, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख मिलता है। केवल ये चीज़ लिख दीजिए बस, इसके बाद में आप पूरी स्टोरी उतार दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो ना एग्जामिनर को कभी भी माइनस पॉइंट नहीं लगेगा। आपने बुक्स का रेफरेंस दिया है, अब आपको पर बुक में क्या लिखा हुआ वो आपको याद नहीं हो, तो इसलिए क्या है कि केवल बुक्स का रेफरेंस एक साथ दे दो और जो यानी लगभग लगभग सिमिलर स्टोरी है एक ही स्टोरी आप लिख दो। इससे क्या होता है कि वो ना एक प्लस पॉइंट रहता है जिसमें आप ना उन विषयों का चर्चा भी कर लेते हो और कुछ गलत भी नहीं लिखते हो। अब जैसे इन किताबों में अब क्या लिखा हुआ, सिमिलर स्टोरी यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह कहां के रहने वाले थे, पीपलीवन के, पीपलीवन के थे, कहां के थे, पीपलीवन के, पीपलीवन के मौर्य थे। अब यह जो पीपलीवन के मौर्य हैं, तो जो उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो पीपलीवन के मौर्य सरदार थे, उसके पिता क्या था, एक सरदार थे, और उनकी जो माता है और उनकी जो माता है
वह माता क्या करती है? माता का नाम है मोरा। माता का नाम क्या है? मोरा। और यह है मोरा कहां के रहने वाली थी, यानी पिता तो पीपली वन के हैं, माता कहां के रहने वाली है? पाटली पुत्र। कुसुमपुर, ठीक है, इसे कुसुमपुर भी बोला गया है, पाटलिपुत्र भी बोला गया है, ठीक है। यहां की रहने वाली उनकी माता थी, तो उनकी माता मोरा जो है पाटलिपुत्र की रहने वाली थी, और उनके पिता कहां के थे? पिपली वन के मौर्य थे। अब जो बात की जाती है आगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जन्म कैसे होता है, कहा जाता है कि पिपली वन के मौर्य सरदार की शादी मोरा के साथ में हुई थी, मोरा से शादी होने वाली, वह पिपली वन चले गए। पिपली वन चले गए तो क्या है कि जो पिपली वन है वह एक गणराज्य था, और वहां पर एक सरदार या कह सकते हो राजा के तौर पे उनके पिता शासन कर रहे थे। परंतु कुछ समय बाद में ऐसा होता है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध होता है, और युद्ध में क्या है कि उनके पिता लड़ने जब जाते हैं तो वह युद्ध में मारे जाते हैं। उनके पिता क्या है, युद्ध में मर जाते हैं, युद्ध स्थल में वह मारे जाते हैं। जब वो युद्ध स्थल में मारे जा रहे हैं तो मारे जाने के पश्चात क्या है, मोरा जो है वो अस्थाई हो जाती है। मोरा क्या है? असहाय हो जाती है। अब एक बात कर रहा हूं मैं आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कहा कि मोरा असहाय हो रही है जबकि सरदार की पत्नी है, यानी राजा की पत्नी है, मौर्य गणराज्य के राजा की पत्नी भी असहाय हो गई। कैसे हो गई आपको एक चीज बताता हूं, उस समय मोरा को उत्तराधिकारी था नहीं, और जो पिपली वन है वो एक गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है। अब जब पिपली वन एक गणराज्य है तो यहां पर ये गण मिलकर राज्य के लिए राजा चुनते थे, ये गण मतलब लोग मिलकर अपना राजा चुनते थे। राजतंत्र तो है नहीं कि उसके बाद में वो, इसके बाद में ये ऐसे बनेंगे, नहीं, वहां पर चुनाव किया जाता था। तो गण राज्य में हमें एक व्यवस्था दिखाई देती है कि राजा जो है वह चुना जाता था। अब जब वो पूर्व राजा की मृत्यु हो गई तो नए राजा को चुना जाना था। अब जब नए राजा को चुना जाना था तो आखिरकार मोरा का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, अब मोरा किसके, अब अगला राजा बनेगा उसकी रानी होगी, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। तो ये असहाय थी, अकेली थी। तो मोरा क्या करती है कि वह पिपली वन को छोड़कर कहां आ जाती है, पाटलिपुत्र आ जाती है। यह पिपली वन को छोड़कर कहां आ जाती है, पाटलिपुत्र आ जाती है। और वहीं पर क्या होता है कि मोरा के गर्भ से चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न होता है, यानी मोरा को चंद्रगुप्त की प्राप्ति होती है। जब उनके पति मरे थे उस समय मोरा गर्भवती थी और उन्होंने अपनी डिलीवरी कह सकते हो कि पाटलिपुत्र में करवाई थी। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न होते हैं, पाटलिपुत्र में ही उनका बचपन बीतता है, ठीक है। अब मोरा किसके पास आ रही है, मोरा अपने भाई के पास आती है। किसके पास आती है, अपने भाई के पास में। तो मोरा माँ है जो पिपली वन में असहाय थी और अपने भाई के पास में आश्रय की तलाश में आ जाती है, आश्रय की तलाश में वो आती है। परंतु उसका भाई भी जो होता है वह ज्यादा कह सकते हो ज्यादा धनी व्यक्ति नहीं होता, वह एक गरीब परिवार का था, तो आखिरकार वह मोरा का खर्चा नहीं उठा पाते थे। और फिर देखो ये बात तो होती है कि मेहमान दो दिन ही अच्छे लगते हैं, फिर बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से जब मोरा अपने भाई के पास रही तो डिलीवरी टाइम में तो कोई इशू हुए नहीं, पर जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा होने लगा तब तब वो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक असहाय विधवा स्त्री किस प्रकार से अपने इकलौते पुत्र का पालन कर सकती है ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो गरीब परिवार होता है वह भी बड़ी मुश्किल से, जिसके पिता का आश्रय होता है, जब पिता का आश्रय है उसके होने के बावजूद भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर हम तो बात कर रहे हैं उस समय की कि जब स्त्रियों की असहाय होने के बाद में वह ज़्यादातर लोगों पर आश्रित थी, अपने परिवार पर आश्रित होती थी, तो उसको अपना पुत्र पालने में बड़ी कठिनाई आ रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जो
जो चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में उनका पालन पोषण बड़ी कठिनाई से किया जाता था। वह उनका भरपेट भोजन भी नहीं करवा पाती थी उन्हें, तो बड़ी कठिनाई से अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। परंतु देखो, छोटा बच्चा होता है, कुछ समय तक तो क्या है कि ठीक है, वो ज़्यादा समझता नहीं है, वो ज़िद्द भी कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर जैसे ही वो 10-12 साल से ऊपर होता है, तो 10-12 साल से जैसे ही ऊपर होता है, तो उसमें समझ आने लग जाती है कि देखो ये हमारी माँ कहाँ से ला के देगी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब लगभग लगभग कुछ समझ आई उनमें, थोड़ी बहुत समझ की उम्र हुई, तो उन्होंने देखा कि उनकी माता किस प्रकार कठिनाई से उनका पालन पोषण कर रही है। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय, क्योंकि समझ आ जाती है परंतु उस समय लड़कपन भी ज़्यादा रहता है, तो गलत डिसीजन भी लोग ज़्यादा ले लेते हैं उस समय। तो जैसे ही उन्हें लगा कि मेरी माता बड़ी कठिनाई से मेरा पालन पोषण कर रही है, तो वह क्या करते हैं, वह अपने आप को दास के रूप में बेच देते हैं, अपने आप को दास के रूप में वो बेच देते हैं। कौन बेचता है? दास के रूप में बेच देते हैं। कौन बेचता है? चंद्रगुप्त खुद को खुद ही बेच देता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को बेच देते हैं दास के रूप में। अब इन्हें खरीदता कौन है? गडरिया, जो भेड़ बकरियां चराता ना, उसने उन्हें खरीदा। क्यों? क्योंकि उसकी भेड़े और बकरियां बहुत थी, बहुत जरा पशुधन था, तो उस पशुधन को चराने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए था। अब बड़े व्यक्ति को रखे तो ज्यादा अनाज खाए, तो छोटे बच्चे को रखे तो आखिर जानवर होते हैं, उनको हाँकना होता है, बस देखना होता है। तो उन्होंने एक बच्चे को खरीदना उचित समझा और उन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। बच्चे को सिखाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता और वह क्या है, आज्ञा की अवहेलना भी ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। वह क्या, डर होता है, थोड़ा सा भय होता है, इसी कारण वो रुके रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद को दास के रूप में बेच दिया, किसे? एक गडरिये को। और गडरिये ने क्यों खरीदा? क्योंकि उससे अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। जब बाजार में खरीदते चंद्रगुप्त मौर्य उसे बिक जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य बिकने के बाद में वह क्या है, जब एक तरह से क्या है कि वो चले जाते हैं, अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। अब पाटलिपुत्र में ही रह रहे चंद्रगुप्त मौर्य भी। अब उस समय क्या है, पाटलिपुत्र में ही निवास कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अलग से कहीं और दूसरे जगह नहीं गए हैं, वह उसी जगह निवास कर रहे हैं पाटलिपुत्र में ही। बस अब क्या है, उनका तरीका चेंज हो गया, उनका जो पैटर्न है वो अब अलग हो गया है, कि पहले माँ की के साथ रह के, माँ के साथ रह के वह क्या कठिनाई से अपना जीवन जी रहे थे, अब माँ के ऊपर बोझ नहीं रहे, वह अपने आप को दास बना लेते हैं। अब होता यह है कि दास बन जाते हैं, दास के रूप में वह कार्य करना शुरू कर देते हैं, गडेरिये के रोजाना भेड़े चराते हैं। तो इस प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं एक दास रूप में हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरी घटना घटित हुई है, ठीक है, अब जो दूसरी घटना है उसका पॉइंट क्या है, अपने आप को दास बना लिया, तो हमने प्रारंभिक जीवन में जन्म से लेके दासता तक पढ़ लिया, यानी जन्म हुआ, किस जाति के थे, माँ पिता कौन थे, इससे लेकर हमने दास बने तब तक का पढ़ लिया है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है चाणक्य का अपमान। चाणक्य का अपमान, यानी जो चाणक्य थे उनका अपमान हुआ, यह चीज हम यहां पर पढ़ेंगे कि चाणक्य का अपमान हुआ था। अब हम बात करते हैं चाणक्य का अपमान। तो चाणक्य जो है वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, यानी कह सकते हो कि किसी एक अनाथ बच्चे, क्योंकि उस समय तो यानी वह दास थे तो वो अनाथ ही एक तरह से, उनका आश्रय नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के अनाथपन से उन्हें एक राजा के तौर तक पहुंचाना, राजा बनाना, उससे कोई आसान बात नहीं है, ये एक महान गुरु ही कर सकता है। तो जो चाणक्य थे वो उस समय के सबसे महान गुरुओं में उनकी गणना होती थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो चाणक्य है उनका अपमान कैसे हुआ। जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, आवश्यक सूत्र, उनमें उल्लेख मिलता है भुक्तिशाला।
बौद्ध ग्रंथों में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है, भुक्तिशाला। अब ये भुक्तिशाला क्या होती है? भुक्तिशाला होती है जहां पर ब्राह्मणों को बैठा कर भोजन करवाया जाता था, प्रतिदिन ये काम चलता था, यानी कह सकते हो कि जो हम कहते हैं भंडारा लगता है, तो वहां पे ब्राह्मणों को भंडारा खिलाया जाता था, खाना खिलाया जाता था वहां पे, जो यानी ब्राह्मणों के धर्म के लिए उनको क्या है वहां पर खाना खिलाया जाता था। भुक्तिशाला में क्या है, ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता था, खाना खाने के बाद में उनको दान दिया जाता था, दान, ठीक है, दान मिल गया और उन्हें खाना मिल गया। तो इस प्रकार यह मुक्तिशाला किसकी थी, धनानंद की थी, किसकी थी, धनानंद की। धनानंद मुक्तिशाला में रोजाना यही काम करता था, ठीक है। अब वह क्या करता था कि उल्लेख यह मिलता है कि एक बार क्या हुआ कि जो चाणक्य है वह पाटलिपुत्र आए, चाणक्य क्या है, पाटलिपुत्र आए, पाटलिपुत्र आए और वह क्या है कि भुक्तिशाला में बैठे भोजन करने के लिए बैठे, परंतु चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, वो दिखने में कुरूप थे, दिखने में कुरूप थे। तो आखिरकार जब कुरूप थे तो उनको क्या है एक इश्यू हुआ कि जो धनानंद है, यानी मैं बता चुका हूँ महापद्म नंद तो दिखने में बहुत सुंदर था, उस जैसी पर्सनैलिटी थी नहीं किसी की। आखिरकार एक रानी भी एक नायक के प्रति आकर्षित हो जाती है, उसके कहे अनुसार काम कर रही है, तो आखिरकार उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आखिरकार उसके रूप सौंदर्य के कारण वो काफ़ी ज़्यादा महापद्मनंद ने सत्ता प्राप्त की थी। तो इसी प्रकार जब धनानंद की हम बात करें, धनानंद भी दिखने में सुंदर था, परंतु जो चाणक्य है वो दिखने में सुंदर थे नहीं। जैसे धनानंद दान के लिए, खाना खिलाने के लिए वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि एक कुरूप ब्राह्मण बैठा हुआ है, उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को वहां से उठाकर भगा दिया। भगा दिया तब क्या है कि कहा जाता कि जब उनसे हाथापाई होने लगी या जबरदस्ती बाहर निकालने लगे तो उनकी शिखा खुल गई, उनकी चोटी होती है वो खुल गई। अब शिखा खुल गई तो उन्होंने उसी टाइम प्रण ले लिया कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा, जब तक मैं नंद वंश को नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, यानी मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं आपका अंत ना कर दूं। ये एक हमें उल्लेख मिलता है मुख्य रूप से जैन ग्रंथों में, यह उल्लेख मिलता है भुक्तिशाला का कि भोजन करने गए और फिर अपमान हुआ और फिर ये प्रण लेते हैं। पर एक और कहानी हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि आखिरकार जो चाणक्य है उनका अपमान किस प्रकार में होता है। ये दूसरा जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध साहित्यों में मिलता है और कुछ तत्कालीन इतिहासकारों ने भी इसका उल्लेख किया। कैसे किया है कि कहा जाता है कि जो चाणक्य है वो रहने वाले कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के थे, ठीक है। तो कौटिल्य उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि कुटिल गोत्र के थे, चाणक के पुत्र होने के कारण चाणक्य, और वास्तव में उनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त, वास्तव नाम विष्णुगुप्त है, कुटिल गोत्र के होने के कारण कौटिल्य, चाणक के बेटे होने के कारण चाणक्य, ये इनके नाम रहे। पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, फिर ज्ञान प्राप्ति के यानी शिक्षा के लिए ये तक्षशिला चले जाते हैं, तक्षशिला में ही इनको एजुकेशन मिलता है और तक्षशिला में ये क्या है एक अध्यापक यानी आचार्य के तौर पर कार्य करते हैं, और ये बहुत उस समय के प्रकांड पंडितों में से एक थे जो कि अपनी शिक्षा के लिए बहुत फेमस थे। चाणक्य का बहुत ज़्यादा नाम था उस समय। अब जब चाणक्य वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो यह बात हुई कि भारत पर आक्रमण होने वाला है, चाणक्य वहाँ काम कर रहे थे तभी, क्योंकि आखिरकार जो तक्षशिला है वह उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था जहाँ पर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ तक कि यूनान, फारस, अरब, इन क्षेत्रों से भी लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। चीन और भारत के आसपास के क्षेत्र के तो लोग आते ही थे, परंतु जो यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ से, अरब क्षेत्र है वहाँ से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो जब वो वहाँ से गया उनके संबंध जुड़े हुए थे क्योंकि पढ़ने के लिए स्टूडेंट आ रहे हैं, और व्यापारी भी उसी मार्ग से होके जाते हैं। तक्षशिला एक व्यापारिक केंद्र भी है और शिक्षा का केंद्र भी है, दोनों केंद्र है। व्यापारिक मार्ग कहाँ से जुड़ता है, व्यापारिक मार्ग फारस अरब से भी जुड़ता है, चीन के साथ भी जुड़ता है, मध्य एशिया के साथ भी जुड़ता है। तो व्यापारिक वहाँ पर आते जाते रहते थे, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। तो इसी कारण क्या है कि तक्षशिला में क्या है हर तरह की जानकारी उपलब्ध हो जाती थी और हर तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलती थी।
फिर हुआ यह है कि जब चाणक्य वहां पर बैठे हुए थे या उन्होंने यानी जब पढ़ा रहे थे तो उनको सूचना मिली कि जो सिकंदर है वह भारत विजय का स्वप्न देख रहा है। सिकंदर क्या है? भारत विजय का स्वप्न देख रहा है और उसने एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। यह सूचना मिल गई। कुछ समय पश्चात वह आसपास के क्षेत्र को जब जीतना शुरू करता है और भारत विजय के लिए निकलता है तो यह सूचना भी चाणक्य के पास में पहुंच जाती है। अब जैसे यह सूचना चाणक्य के पास पहुंचती है, पहले सूचना धनाधन के पास नहीं पहुंचेगी, पहले चाणक्य के पास पहुंची थी। चाणक्य के पास कैसे पहुंची थी? क्योंकि तक्षशिला एक व्यापारिक केंद्र है। तक्षशिला जो है भारत का सीमांत क्षेत्र है, सीमा पर पहली चीजें दिखाई देगी। आज की तरह टेलीफोन नहीं था कि जहां से आप बता दें कि आखिर ये चीजें, तो वहां से ही दूत होकर आते जाते थे। तो आखिरकार वहां से सूचना मिल गई कि आखिरकार सिकंदर आक्रमण करेगा भारत पर। अब जो दयानंद है वो उसको तो कोई चिंता थी नहीं, तो जो चाणक्य है उन्हें भारत पर विदेशी आक्रमण के लिए चिंता हो गई और वह क्या है, तक्षशिला से छुट्टी लेकर आ जाते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आते हैं और वह अपॉइंटमेंट लेते हैं किसमें कि मैं मिल लूं एक बार धनानंद से। धनानंद आखिरकार एक योग्य शासक तो नहीं है, परंतु भारत की रक्षा विदेशी आक्रांताओं से तो करेगा, खुद के राज्य में तो बचाएगा कम से कम। तो इसलिए वह आखिरकार धनानंद से मिलते हैं। जब वो धनानंद से मिलते हैं तो धनानंद क्या है कि उनकी कुरूपता देखकर उन्हें बोलता है कि इसको ब्राह्मण को, बंदे ब्राह्मण को बाहर निकालो। पर कुछ ऐसी बात बोलते हैं कि कुछ एक चीज़ और हुई कि जब वो बताने लगे कि भारत में विदेशी आक्रमण होने वाला है, इतनी सेना वहाँ से आ रही है, आपके पास इतनी सेना है, आपको इस तरीके से आक्रमण करना चाहिए, आपको विजय प्राप्त होगी, आप भारत की रक्षा करें या अखंड भारत के निर्माण करें, जब ये बातें वो करने लगे तो इससे क्या है, जो धनानंद था वो क्रोधित हो गया। धनानंद को क्रोध आ गया। धनानंद को क्रोध क्यों आ गया? उसका कारण यह था कि धनानंद जो है एक राजा है, एक शासक है, और आखिरकार एक शासक को कोई एक ब्राह्मण, एक टीचर ये बताएगा कि आखिरकार किस प्रकार से शासन करना है, तो उसके लिए उसने अपने मंत्री वगैरह भी नियुक्त कर रखे। अगर आज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे को दूसरा एकदम से कहीं बाहर का आके मुझे ये चीज़ कहे तो एकदम से एक्सेप्ट मैं भी नहीं करूँगा। कोई भी आपको बाहरी व्यक्ति आकर कुछ भी कह जाएगा तो आप भी उस चीज़ से एक बार बोलोगे तुम हो कौन, तुम मुझे मेरे बारे में जानते क्या हो, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने शासन किस प्रकार चला रहा हूँ, आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ होती है। तो धनानंद को भी ये लगा कि आखिरकार ये मेरे शासन के बारे में जानता कितना है, ये तो एक मेरे राज्य के बाहर पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो यह यहाँ के बारे में क्या जानता है कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, और यह आके मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आखिरकार धनानंद को बड़ा अजीब लगा कि एक राजा को आकर कोई शिक्षित कर रहा है कि आखिरकार तुम ये करो, तो उसकी मैं जागी, दूसरा कहा जाता है उसकी कुरूपता के कारण। तो आखिरकार ये दोनों चीज़ें हों तो किसी प्रकार से धनानंद को क्रोध आया और धनानंद ने कहा कि आखिरकार इस बद्दे ब्राह्मण को ब्याह से बाहर धकेल दो, बाहर निकालो इसको। तो उसको जब जबरदस्ती बाहर निकाला जाता था तो उसकी शिखा खुल जाती है, और शिखा खुलने के बाद में वो सब स्टोरी सब सेम है कि आखिरकार चोटी खुल जाती है, चोटी खुलने के बाद में उन्होंने कहा कि आखिरकार मैं जब तक नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और ये चाणक्य ने प्रण किया था। चाणक्य ने इस प्रकार ये जो कोटेशन अलग स्टोरी है, ये चाणक्य के अपमान की बात करते हैं, तो इसमें सब एक चीज़ सेम है कि चाणक्य का अपमान हुआ और उसकी शिखा खुल गई। यह सभी की सभी साहित्य बताते हैं कि आखिरकार चाणक्य का अपमान हुआ था और उसकी शिखा खुल गई थी। अब चाणक्य की जब शिखा खुल गई तो क्या किया उसने, वह अब क्या है कि कहाँ पर देखे, आखिरकार किससे सहयोग प्राप्त करे। उत्तर भारत का जितना राज्य था वो धनानंद के अधीन था। तक्षशिला में उस समय आंबिक राज्य कर रहा था, आंबिक उस समय राजा था गांधार प्रदेश का, वह भी योग्य नहीं था, और आसपास छोटे छोटे गणराज्य थे, वो इतने योग्य है नहीं कि वो सिकंदर से आक्रमण कर सके। तो आखिरकार उन्हें निराश हो गए कि आखिरकार किस प्रकार किया जाए। तो वो चल रहे थे तब क्या है कि उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है, चाणक्य की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। अब वो बच्चा क्या खेल खेल रहा था, बच्चा एक खेल खेल रहा है, और वो खेल क्या खेल रहा था, राजा और प्रजा का। राजा और प्रजा का क्या है कि वह जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को गाइड करा, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे जाओ वहां पर, यानी गेम खेल रहे थे। तो उसमें उसने देखा लीडरशिप, उसने देखा ये कितना अच्छे तरीके से इन बच्चों को मैनेज कर रहा है।
बच्चे जो उदंडी होते हैं, जो बच्चों को संभालना आसान बात नहीं होती, यह उन बच्चों को भी गाइड कर पा रहा है। तो यह इसमें नेतृत्व की क्षमता है। दूसरा उसको अचंभा यह हुआ कि यह एक दास है, यानी जो आम बच्चे थे, जो दास नहीं थे, उनको भी ये गाइड कर रहा है। तो आखिरकार इसमें क्या योग्यता है कि लोग, बच्चे इसकी, दास की भी सुन रहे हैं और आसपास के लोग इससे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो उसमें जो गट्स देखे और दूसरा उस बच्चे में जो उन्हें नेतृत्व क्षमता देखी, चाणक्य को केवल यही चाहिए था। चाणक्य को सैनिक नहीं चाहिए था, सैनिक तो बहुत लड़ने के लिए तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, पर उन सैनिकों को एक लीडरशिप चाहिए होती है, एक राजा चाहिए होता है। तो उनको राजा में तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। तो चतुर्वर्य में उन्होंने नेतृत्व क्षमता देखी और वह चले जाते हैं वापस किसके पास, गडरी के पास में। गडरी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये बच्चा मुझे चाहिए। बोले ये तो मेरा दास है। बोले दास है तो बता मेरे को कितना पैसा देना है तेरे को, इसको दासता से मुक्त कर और मेरे पास रहने दे, दासता से मुक्ति दे से और मेरे पास रहने दे। तब क्या होता है कि तब 1000 काशापण, 1000 काशापण होते हैं, उनमें वह चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है। 1000 काशापण का मतलब है 1000 चांदी के सिक्कों में, 1000 चांदी के सिक्कों में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा जाता है। वह तो दाम ज़्यादा लगा रहा था कि आखिरकार मैं इतने लूँगा, मैं इतने लूँगा आखिरकार, क्योंकि ब्राह्मण होके और वो भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला ब्राह्मण, वह एक बच्चे के लिए आखिरकार कितना तत्पर है कि आखिरकार मुझे यही बच्चा चाहिए, मुझे यही बच्चा खरीदना है। तो उसका भी लोभ जागा था गडरिये का, परंतु क्या है, ब्राह्मण था, उसने बोला कि ब्राह्मणों से धन कमाएगा तो नरक में नहीं जाएगा। अगर ब्राह्मण से धन कमाओगे तो नरक में नहीं जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। तो 1000 काशापण में वह चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर वह अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, तक्षशिला। कहाँ लेके जाते हैं, तक्षशिला। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट बनता है चंद्रगुप्त की शिक्षा, एजुकेशन के समय। आखिरकार राजा तो ऐसे एकदम से बनता नहीं है ना, उसको तो एजुकेटेड करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के लिए क्या किया गया, तो जो चाणक्य है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया कि एक, यानी अच्छा शासक बनाने के लिए उसको एजुकेशन देना जरूरी समझा। तो वह अपने साथ उसे कहाँ ले जाते हैं, तक्षशिला ले जाते हैं। तक्षशिला लेकर गए, तक्षशिला ले जाकर उन्होंने क्या किया, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना शुरू किया। पहले तो उन्हें वेदों का ज्ञान करवाया, वेदों ज्ञान करवाए, पुराणों और धर्मशास्त्रों इनका सबका अध्ययन करवाया, दंड नीति सभी प्रकार की चीजें उसे सिखाई गई। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा क्या है, तक्षशिला में होती है, और तक्षशिला में उसे जो दंड नीति होती है, वेद होते हैं, अर्थशास्त्र होता है, धर्मशास्त्र होता है, राजनीति विज्ञान होता है, और साथ में ही शस्त्र शिक्षा जो कि युद्ध कला है वह उसकी भी शिक्षा उन्हें दी गई। शस्त्र शिक्षा प्रदान की गई, युद्ध कला सिखाई गई, और इस आधार पर क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी शिक्षा कंटिन्यू चलती रही। और वह क्या है कि शिक्षा प्राप्त करता रहा, किससे, चाणक्य के साथ में रहकर। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा यहाँ पे तक्षशिला में हुई है, और तक्षशिला कहाँ है, गांधार राज्य में था, जो कि धनानंद के राज्य के बाहर है, धनानंद के राज्य में नहीं, धनानंद के राज्य के बाहर है। तो वहाँ पर वह शिक्षा प्राप्त करता है, और शिक्षा प्राप्त करके शस्त्र शिक्षा सभी प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है, और वह युवावस्था में आ जाता है। युवावस्था में वह आ जाता है। अब क्या होता है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य की नेक्स्ट जो घटना हुई वो क्या हुई, क्योंकि उस समय जब वो बच्चे को लेके गए थे तब भारत पर आक्रमण की सूचना मिली थी, अब जब वो बच्चा जवान होने लगा तो आखिरकार उस समय चंद्रगुप्त मौर्य किस स्थिति में था, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय क्या स्थिति है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहां पर चौथा पॉइंट होता है सिकंदर से मुलाकात, ठीक है। यहां पर हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा वो है सिकंदर से मुलाकात, यानी सिकंदर से भेंट हुई थी,
चंद्रगुप्त मौर्य की। तो अब यह वर्णन हमें क्या मिलता है कि ये सिकंदर से जब मुलाकात हुई थी तो इस मुलाकात का समय क्या है। तो इतिहासकार 326 से लेके 325 ईसा पूर्व बताते हैं, ठीक है, 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मुलाकात की थी सिकंदर से। सिकंदर महान से मुलाकात कब की है? सिकंदर महान से मुलाकात हुई है 326 से 325 ईसा पूर्व के मध्य। अब जो सिकंदर से मुलाकात का वर्णन है वो कौन कौन कर रहा है? सिकंदर से मुलाकात का वर्णन कौन कौन कर रहा है? स्ट्रेबो, कर्टियस, एरियन। स्ट्रेबो, कर्टियस, एरियन, ये तीन इतिहासकार हैं जो सिकंदर की मुलाकात का उल्लेख करते हैं। सिकंदर से मुलाकात का उल्लेख करते हैं, वह यह बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह मुलाकात करता है किससे? सिकंदर से। अब वह एक साधारण सैनिक के तौर पे आता है, साधारण व्यक्ति के तौर पे आता है। साधारण व्यक्ति के तौर पे वह सिकंदर से मुलाकात करता है और सिकंदर से बातचीत करता है। जब वह सिकंदर से बातचीत कर रहा था तो सिकंदर के साथ में जब वो बातचीत करते करते उसके मन में ये बात आई कि वह धनानंद के लिए सहायता मांगे। आखिरकार जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे भी अपने गुरु चाणक्य के अपमान का बदला लेना था, आखिरकार उसे उसी चीज के लिए ट्रेंड किया गया है, और यहाँ पर क्या है, धनानंद को पराजित करना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मिलने जाते हैं किससे? सिकंदर से। सिकंदर से मिलते हैं। अब जब वो मिलने जाते हैं वहां पे उनसे मिलते हैं तो मिलने के बाद में यह होता है कि वह मिलने के पश्चात जब ये देखते हैं कि आखिरकार मैं एक राजा नहीं हूं, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजा थोड़ी ना है, एक आम व्यक्ति है। तो एक आम व्यक्ति होने के पश्चात आखिरकार वह किस प्रकार से उससे सहायता की अपेक्षा कर सकता है? ठीक है, सहायता की अपेक्षा वो नहीं कर सकता है उनसे। तो इसलिए एक ऑब्जेक्शन खड़ा हुआ कि आखिरकार किस प्रकार से जो है वह उनको अपने पक्ष में कर सकता है और किस प्रकार वह सिकंदर से अपना स्वार्थ निकलवा सकता है। तो जब वो मिलता है तो वह ये बात करता है कि आखिरकार भारत में उस समय क्या है, एक शूद्र शासक शासन कर रहा है। तो सिकंदर से कुछ नहीं बोलता है, वह बोलता है कि आपको भारत विजय करनी चाहिए, मगध पर जीत विजय कर लेनी चाहिए, मगध का राजा पर जीत कर लेनी चाहिए आपको। जीतना क्यों चाहिए? क्योंकि सिंधु नदी पार करोगे आप, अब तो आसपास के लोगों को जीत चुके हो आप। सिंधु नदी जैसे पार कर लोगे आप तो पार करते ही मगध की सीमा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि उसके बाद में मगध की सीमा शुरू हो जाएगी, यानी धनानंद की सीमा शुरू हो जाएगी। अब जो धनानंद है उसे उसकी प्रजा पसंद नहीं करती है, यानी वह एक अप्रिय शासक है। यहां पर यह बात की गई आखिरकार धनानंद क्या है, एक अप्रिय अयोग्य शासक है। यहां पर साबित कर दिया कि वह जनता में लोकप्रिय नहीं था धनानंद। तीसरी बात यह करता है कि वह जाति से शूद्र व निम्न था, इस कारण वहां की प्रजा उसे पसंद नहीं करती। साथ ही वह एक अत्याचारी शासक भी है, ठीक है। तो यहां पर अत्याचारी होना और उसका निम्न कुल होना बता रहा है कि प्रजा धनानंद को पसंद नहीं करती। प्रजा धनानंद को क्यों पसंद नहीं करती? क्योंकि वो एक अत्याचारी शासक है और दूसरा वह एक निम्न कुल का था। यह दो बात कर दी गई कि आखिरकार वह निम्न कुल का था और वह एक अत्याचारी व्यक्ति है, अब आपको उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। यह बात किसे बोल रहा है? सिकंदर को बोलता है। तो सिकंदर क्या है कि सिकंदर अपने सैनिकों से तुरंत बोलता है कि इस दुस्साहसी व्यक्ति को तुरंत पकड़ो और मार दो, इस दुस्साहसी व्यक्ति को तुरंत पकड़ो और मार दो। क्यों बोलता है वो बात, क्यों ये बात बोली जाती है? कारण यह है कि जो भी उस समय, यानी सिकंदर इतना आम व्यक्ति तो था नहीं कि आखिरकार उसकी समझ में कमी थी, वह आखिरकार इतने बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता आ रहा है, तो उसके मन में एक क्वेश्चन उठाता है सिकंदर के मन में कि इस व्यक्ति का क्या स्वार्थ है कि यह मुझे यहाँ के राजा के बारे में बोल रहा है, या फिर तो इसका कोई स्वार्थ है, या फिर ये मेरे से कुछ गलती करवाना चाहता है, या मेरे से प्रतिशोध चाहता है, या मेरी हानि चाहता है। तो मेरी हानि चाहता होगा या स्वार्थ, कोई स्वार्थ होगा इसका,
इसी कारण यह मेरे ऊपर क्या है, यह बात कर रहा है कि मैं धनानंद पर आक्रमण कर दूं। जबकि वह यह जानता था अच्छे से कि धनानंद की उस समय सेना बहुत विशाल है और उसका राज्य भी बहुत बड़ा है। जब वो ये चीज जानता है कि उसका साम्राज्य बड़ा है, उसका जो जो सेना है वो भी बहुत बड़ी है, अब तक जिनसे भी उसने युद्ध लड़ा है उन सबका मिलाकर जो सेना है वो उस समय धनानंद की थी, ठीक है। तो उन सब की मिलाकर इतनी बड़ी सेना धनानंद के पास अकेले के पास थी, तो आखिरकार यह व्यक्ति यानी जो आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य है, यह सिकंदर को क्यों बोला इसने कि आखिरकार यहाँ पर आप आक्रमण करें। तो सिकंदर के दिमाग में ये बात, ये क्वेश्चन मार्क उठा, तो उन्होंने क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मारने की अनुमति दे दी और बोला कि इसको पकड़कर आप मार दीजिए। तो सैनिकों को जब ये बात कही तो वो क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो वहां से भाग जाते हैं और भागकर वह वापस तक्षशिला आ जाते हैं। इस प्रकार सिकंदर से उनकी मुलाकात का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। अब होता यह है कि सिकंदर बहुत अच्छे से जानता था भारत की स्थिति को, भारत के बारे में वह जितना जान सकता था उसे उतना ज्ञान था कि आखिरकार भारत जैसा देश में जो शासन है किस प्रकार हो रहा है। परंतु वह भारत की स्थिति और मगध के राजा धनानंद की स्थिति को जानता था और सेना में जो विद्रोह हो रहे थे उससे भी भलीभांति जानता था। तो सैनिक विद्रोहों को जानते हुए, आसपास की स्थिति को जानते हुए, सिकंदर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत छोड़कर चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर क्या है, भारत छोड़कर चला जाता है। भारत के लिए आक्रमण 326 में करता है, 325 में वह यहाँ से चला जाता है और यहाँ से चल के वह अपने राज्य वापस पहुँच जाता है और वहाँ पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार क्या है कि हमारा जो सिकंदर वाला टॉपिक है वह हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा यहाँ पे यानी सिकंदर तक के विजय अभियान हो, यानी सिकंदर तक का उल्लेख हम कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो प्रारंभिक जीवन हो गया, जन्म से लेकर दासता तक का, चाणक्य का अपमान हो गया और 1000 काशापण में वो खरीदता है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त हुई वो बता दिया हमने, और सिकंदर से मुलाकात की वह भी हम कर चुके हैं। अब हमारा क्या है, पाटलिपुत्र पर विजय अभियान और सीमांत राज्यों पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय अभियान, सीमांत राज्यों पर विजय, और फिर हम एक चीज़ और करेंगे कि उसका साम्राज्य विस्तार कितना था और उसका धर्म क्या था और मृत्यु कैसे हुई, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यही चीज़ें हैं जो हमारी कंप्लीट होनी ज़रूरी है और इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं जो इस पर हम चर्चा करें।